लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है और आज पहले सुबह भी जो है एक खबर निकलकर सामने आई बख्तियारपुर में जो पुल बन रहा था उसका जो है वो गिरा अब ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए ही जा रहे लेकिन उसी दौरान एक बार फिर से जहानाबाद के आरोपी निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो गए हैं तस्वीरें है एक अन्य मार्ग की जहां पर से मुख्यमंत्री निकलते हुए नजर आ रहे हैं लगातार बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है और उसी बीच नीतीश कुमार फिर से जो जहानाबाद में आरोबी का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं अपने एक अन्य मार्ग से नीतीश कुमार का ये दौरा अभी लगातार जारी है जगह जगह पर हर जिला में नीतीश कुमार का दौरा हो रहा है जो एक तरीके से कहा जाए कि ये एक चुनावी मोड का दौरा है बात की जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जहानाबाद के दौरे पर हैं सुबह सड़क मार्ग से जहानाबाद के लिए रवाना हुए हैं जहानाबाद में आर का करेंगे निरीक्षण प्रस्थान करेंगे और ओ, आर ओ बी जहानाबाद से पंचायत सरकार भवन संकल्प पंचायत के लिए पंचायत सरकार भवन कल्पा पंचायत का उद्घाटन भी करेंगे अन्य विभागीय योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास से रिमोट से करेंगे नीतीश कुमार लाभुकों को लाभ वितरण करने के बाद तालाब के निरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे उसके बाद जहानाबाद स्थित कल्पा पंचायत भवन से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उनका जो जमीन एक तरीके से कहा जाए कि बिहार में जमीन सर्वे का भी मामला है उसको लेकर भी जो है चर्चा चल रही है और ऐसे में बड़ी बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार का अलग अलग ज़िलों का जो दौरा है वो चल रहा है पहले एक तरीके से कहा जाए कि बेतिया में पूर्णिया में साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में ये दौरा नीतीश कुमार का लगातार जो है वो जारी है अब ऐसे में जो है वो फिर से एक बार जहानाबाद का दौरा करने नीतीश कुमार गए हैं हालांकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो जहानाबाद में नीतीश कुमार हार गए हैं जिस तरीके से जो प्रत्याशी को रिपीट किया गया था और वहां पर नाराजगी काफ़ी थी लिहाजा वो चुनाव हार गए हालांकि जहानाबाद के प्रभारी अशोक चौधरी हैं और नीतीश कुमार जो है वो निरीक्षण करने के लिए गए हैं बड़ी बात है कि आखिरकार जब निरीक्षण करके मुख्यमंत्री लौटते हैं तो फिर वहाँ पर किस तरीके की जो चर्चा है वो होगी ऐसे में लेकिन जनता दल यूनाइटेड को लेकर खासा नाराजगी है जहानाबाद में अब देखने वाली बात है कि आखिरकार इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला दौरा कहाँ होता है मणेश पनिश पुणीचन के साथ नमस्कार